मध्य प्रदेश की लाहौर विधानसभा सीट इन दिनों प्रदेश भर की सुर्खियों में है। सुर्खियों में ही नहीं, प्रदेश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि यहाँ के विधायक नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह हैं। ऐसा लग रहा है मानो भारतीय जनता पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को हराने का विशेष रूप से लक्ष्य बना लिया है, क्योंकि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह छिंदवाड़ा में चुनावी सभा करने पहुंचे तो वहीं लाहौर विधानसभा सीट पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा करने आ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सूर्य द्विवेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं 7i News। अब आइए थोड़ा सा लाहौर विधानसभा की राजनीतिक समीकरण में गोता लगाते हैं। लाहौर विधानसभा से वर्तमान विधायक नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, जिनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने गुड्डू शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाकर उतारा, तो वहीं पूर्व विधायक रसाल सिंह को पिछले 2 बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2023 में जब रसाल सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो रसाल सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ बसपा का दामन थाम लिया। अब लाहौर विधानसभा में 3 प्रत्याशी हो गए, एक वर्तमान विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह, दूसरे अमरीश शर्मा गुड्डू और रसाल सिंह। तो जाहिर सी बात है कि वोट बटोरने के लिए दम तो लगानी पड़ेगी, जिसके लिए सभी प्रत्याशियों का राजनीतिक समुद्र मंथन चल रहा है। अब देखना यह होगा कि समुद्र मंथन में क्या निकलता है, क्योंकि BSP सुप्रीमो मायावती चुनावी सभा करने लाहौर में 10 नवंबर को आने वाली हैं। तो वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा प्रत्याशी गुड्डू शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी सभा करने लाहौर में आ रहे हैं। अब वर्तमान विधायक गोविंद सिंह के लिए प्रचार करने कौन आएगा? सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गोविंद सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने कोई बड़ा चेहरा नहीं आ रहा है, क्योंकि गोविंद सिंह के सर पर नेता प्रतिपक्ष का ताज रखा हुआ है। अब हम एक एक करके समझते हैं विधानसभा चुनाव में इन बड़े चेहरों द्वारा राजनीतिक सभाएं करने का क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि साल 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा की क्या स्थिति थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने 230 में से 227 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा था, जिसमें सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा 202 सीटों पर पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि BSP का वोट BJP को चला गया, क्योंकि दलितों के बीच सामाजिक समरसता अभियान के तहत उन्हें जोड़ने का काम, साथ ही चुनाव प्रचार में उन तक विशेष रूप से पहुंचने की रणनीति RSS ने अपनाई, और इन मतों का बहाव भाजपा के पक्ष में होने लगा। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री का दलित और सफाई कर्मियों के पैर धुलना, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दलित के पैर धुलना और लाडली बहना योजना BSP वोटरों का कितना विश्वास जीतते हैं। योगी आदित्यनाथ भिंड जिले की लाहौर विधानसभा सीट में आ रहे हैं, तो पहले हम उत्तर प्रदेश के क्राइम रिपोर्ट कंट्रोल की बात कर लेते हैं। यूपी में पिछले 6 सालों में पुलिस और अपराधियों के बीच 9,434 से ज़्यादा मुठभेड़ हुई हैं, जिसमें 183 अपराधी जान से मारे गए, 5,046 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो फिर लाहौर विधानसभा सीट में राजनीतिक बड़े चेहरों का जमावड़ा लगने वाला है, आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, घरवालों के साथ जरूर शेयर करें, और बने रहिए 7i News चैनल के साथ।